देखिए, कभी कभी लोग मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं, और जो कंपनी बाइनरीज में है खास तौर पे, जो वीकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, लोग क्या बोलते हैं मुझको कि सोनू जी ये सिस्टम बड़ा रोचक है, ये ना आग लगाए रखता है नीचे। आग बोले तो मंडे क्लोजिंग हो गया है ना, फिर 2 दिन निकलते हैं तो फिर फटने लग जाती है, अरे 2 दिन निकल गए, 2 दिन निकल, काम कर काम कर काम कर, है ना, तो आग लगी रहती है हमेशा। अरे हफ्ता निकल गया, अरे जल्दी कर, 2 निकल, अरे 3 दिन, अरे वीर आ गया, अरे आईडी नहीं आई, अरे शुक्र, अरे शनि, अरे कुछ कर कुछ, मतलब आग लगी रहती है ना, बाइनरी में आग लगी रहती है। कुछ कंपनी में मंथली पे आउट होता है तो ढीले हो जाते हैं लोग, आर विद मी, है ना। मेरा फिलॉसफी और उलट है सर, मैं कहता हूं नहीं, आस्क योरसेल्फ कि 1 घंटे में कितना कमा सकता हूं। अगर 1 हफ्ते में ऐसी आग लग सकती है तो 1 घंटे के बारे में अगर सोचा तो कितना बड़ा परमाणु विस्फोट होगा, सोचो खाली, खाली सोचना भर। अभी ऑलवेज जब भी आप 1 हफ्ता और 1 महीने के बारे में सोचते हैं, आप टाइम खराब करेंगे सर। वेन एवर यू थिंक अबाउट 1 वीक पे आउट और मंथली पे आउट, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट यू शुड वेस्ट योर टाइम, यू विल वेस्ट योर टाइम, 100% आपका समय खराब होगा जब आप हफ्ते का पे आउट और 1 महीने के बारे में सोचेंगे। हाउ मच आई अर्न इन 1 आवर, कैलकुलेट करना घर जाके कि तुम्हारे 1 घंटे में कमाई कितनी होती है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको जान के ताज्जुब होगा। इन 1920, अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं यार सेल नहीं आती यार, मेहनत बड़ी होती है, ट्रेनिंग होती है, सारे के सारे लोग ट्रेनिंग भी अटेंड करते हैं, आरटीपी भी दबा के होती है, आरटीपी ने तो बवाल मचा रखा है, पूरा पूरा भिवाड़ी हिला पड़ा है कंपनी से हमारी। जितनी ट्रेनिंग हमने करी इस दुनिया में मुझे लगता नहीं बाकी कंपनी ने मिलकर भी करी होंगी, है ना साला, दे आरटीपी, दे आरटीपी, दे आरटीपी। वो बंदा जागा, आरटीपी चल, सोया फिर जागा, चल दूसरी, कह रहा साला समझ नहीं आ रहा सेल क्यों नहीं आती। सारी बातें ठीक हैं, दो दो दिन हमने पूरी मेहनत के साथ सूता उसको अच्छे से, क्या तैयारी नहीं करी, कौन सी किताब नहीं पढ़ी, कौन सी भाषा में साले को नहीं समझाया, लेकिन फिर भी सेल नहीं आती जितनी आनी चाहिए। समस्या क्या है, ये डमरू कहां बजाएं हम? तो प्रॉब्लम है सर टाइम मैनेजमेंट में। अब आप पूछेंगे टाइम मैनेजमेंट से क्या मतलब है, बहुत गहरा ताल्लुक है। इन 1928 कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक सर्वे है जो मैं आपको आज बताता हूं। इन 1928 देर वॉज अ सर्वे इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और वो सर्वे दुनिया भर के सेल्समैन के ऊपर किया यूनिवर्सिटी, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा सर। और दुनिया भर के सेल्समैन पे 1928 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया और बड़े रोचक आंकड़े लेकर आए वो 2 साल के बाद। और वो आंकड़े थे कि एवरेज सेल्स पर्सन वर्क ओनली 90 मिनट्स अ डे, एवरेज सेल पर्सन वर्क ओनली 90 मिनट अ डे, ये हरामखोर काम ही नहीं करते हैं, 90 मिनट्स अ डे बस इतना ही करते हैं। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, जो लेटेस्ट सर्वे है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का वो है 2014 का, एवरेज सेल पर्सन टुडे वर्क ओनली 90 मिनट अ डे, स्टिल 90 मिनट अ डे, बाकी का टाइम कहां जाता है। मैं अभी पूरी गया एक ट्रेनिंग सेशन करने के लिए, तो एक कंपनी का ट्रेनिंग सेशन था, हर्बल का कंपनी था बहुत बड़ा, उनके करीब करीब 400 सेल्समैन थे, तो उन्होंने बोला हमारा सेल डिप हुआ है 30%। तो मैंने बोला आप टारगेट क्यों नहीं रखते कि सेल्स आपका 30% बढ़ जाए। तो मैंने बोला चलो चलो बैठ के बात करते हैं। तो मेरा ट्रेनिंग चल रहा था तो मैंने उनको बोला, ये सर्वे बताया मैंने कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सर्वे है, मैंने बोला आपके जो सेल्स मैन है वो 90 मिनट से ऊपर काम ही नहीं करते एक दिन। उसने बोला सर ये 5-5 साल के सेल्स मैन है, ये तो सुबह निकलते हैं रात को आते हैं, भागा दौड़ी मारम मारी पसीना खून एक बार रखा है, 90 मिनट है, इट इज पॉसिबल ही नहीं है सर। मैंने बोला डू वन थिंग, कितने लोग हैं? बोले 400 लोग। मैंने कहा मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर कर सको तो, अभी की बात है ये करीब करीब 2 महीना पुरानी बात है। तो उसने बोला क्या करें? मैंने कहा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा आपके साथ, क्योंकि मुझे सर्वे पे पूरा भरोसा है और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं 12 साल से, मुझे पता है ये हरामखोरी होती है। एक स्टॉप वॉच खरीदो, मैंने कहा। उसने बोला स्टॉप वॉच करेंगे, खरीद के क्या करेंगे? तो मैंने बोला कुछ नहीं, जब एक प्रोस्पेक्ट के सामने बैठ के प्लान दिखाएगा तो स्टॉप वॉच ऑन कर देगा और जब प्लान क्लोज करेगा तो ऑफ कर देगा।
तो हम देखते हैं कि इसने कितना टाइम काम किया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्या है, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग, इस तीन के अलावा कोई काम नहीं है। नंबर वन प्रोस्पेक्टिंग, नंबर टू प्रेजेंटेशन, नंबर थ्री क्लोजिंग, इसके अलावा तो कोई काम नहीं है। इसके अलावा तो बला 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 है, बस भकर 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 है। इसके अलावा तू मेरी चड्डी कैसे उतार सकता है, मैं तेरी कैसे उतार सकता हूं, उसकी चड्डी बम कैसे लगाया जा सकता है, बस बाकी का टाइम यही है। एक्चुअल टाइम क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया, मेजर एंड माइनर। What is the major time and what is minor time? Minor time when you are making a list is a minor time. When you are in traffic is a minor time. जब आप किसी के टीवी देखते हैं या सेमिनार की तरफ रास्ता बिता रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, it's a minor time. Major time क्या है? In the presence of a prospect is a major time. Time तो वही है ना, जब आप सेल कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, फेस टू फेस कितनी देर कस्टमर के साथ बैठते हैं, वही टाइम माना जाएगा कि आपने काम किया है। हेलो, आर यू गेटिंग मी? है ना? तो मैंने बोला आप एक स्टॉप वॉच खरीदो और अपने सारे के सारे एग्जीक्यूटिव को दो, एंड विल टॉक आफ्टर वन मंथ। उसने बोला सर कितने रुपए का आएगा? मैंने कहा मार्केट से पता करो, करके देखते हैं, करके देखते हैं, करके देखते हैं। 7 से 8 दिन पहले जब मैंने ट्रेनिंग डिजाइन करना चालू किया तो उसके डायरेक्टर कलकत्ता में रहते हैं, कलकत्ता का कंपनी था, उसने बोला सर आप बिल्कुल ठीक थे, इट्स 90 मिनट्स 52 सेकेंड्स एवरेज सेल्स पर्सन वर्किंग 90 मिनट्स। क्योंकि जब वो प्लान देने जाता था स्टॉप वॉच ऑन कर लेता था और क्लोज होता था स्टॉप वॉच ऑफ कर लेता था। काम करने का औसत 90 मिनट पर डे है। क्या करना चाहिए? मैंने कहा डबल द वर्किंग विल गिव यू डबल द रिजल्ट, सिंपल फिलॉसफी। इसके लिए कोई जादू टोने का जरूरत। आपने नाम सुना होगा जीरोक्स, हैव यू हर्ड द नेम जीरोक्स? मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था जीरोक्स की, आपको जान के बड़े ताज्जुब होगा। देर इज अ पर्सन नेम फ्रैंक पसाटे, गूगल करेंगे तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। फ्रैंक पसाटे तो एक नॉर्मल सेल्समैन होते थे। तो फ्रैंक पसाटे ने जीरोक्स में आवेदन किया सेल्स कि मुझे किसी टेरिटरी मैनेजर, किसी 2000 ऑफिस थे जीरोक्स के, जीरोक्स हैव 2000 ऑफिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसने बोला मुझे किसी टेरिटरी का आप सेल्स मैनेजर बना दीजिए, मैं सेल्स बढ़ा दूंगा जबरदस्त तरीके से। तो उन्होंने बोला नो वी डोंट नीड यू एट ऑल, हमें तुम्हारा जरूरत नहीं है। उसने बोला कहीं भी भेज दो, लेकिन मैं चाहता हूं मैं अपना कैलिबर, अपनी पोटेंशियल, अपनी ताकत दिखाऊं, मुझे एक सेल्स मैनेजर बना दो। जीरोक्स ने बोला ठीक है, क्लिविट ऑफिस भेज दिया। क्लिविट ऑफिस ओहाया एक जगह है, कैलिफोर्निया में रहता था वो, तो ओहाया भेज दिया। कैलिफोर्निया और ओहाया बहुत दूर जगहें हैं। तो उसने बोला ठीक है, तो क्लिविट ऑफिस भेज देते हैं जो लीस्ट प्रोडक्टिव एरिया है हमारा पूरा जीरोक्स का, देखते हैं तू क्या उखाड़ता है। उसने बोला सर मैं तैयार हूं, डन। उसने अपना बोरिया बिस्तरा पैक किया, वाइफ को बोला चल क्लिविट चलना है हमको, अब कैलिफोर्निया की जिंदगी खत्म, ओहाया चलेंगे। उसने बोला इतना दूर जा रहे हैं? उसने बोला चल ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन दे दी गई उस ऑफिस के अंदर कि ठीक नया सेल्स मैनेजर आ रहा है आपका, और जो सेल्समैन थे 32 सेल्समैन थे कहते हैं उस ऑफिस के अंदर, उन सोच रहे नया मुर्गा आ रहा, साले को हलाल करेंगे, बड़े आईएएस जैसे। उन्होंने बोला मंडे मॉर्निंग 8 o'clock देयर इज अ मीटिंग विद ऑल द सेल्समैन, बुलाइए सेल्स मैनेजर ने। 8 बजे सारे के सारे लोग आ गए, कुछ लोग कॉफी पीते हुए आ रहे हैं, कुछ लोग स्मोक करते हुए भी आ रहे हैं ना, मस्त आ रहे हैं, कोई कुर्सी पर बैठ गया, कोई ऐसे खड़ा हुआ है। बोल। तो उसने अपना स्पीच स्टार्ट किया, उसने बोला दोस्तों आपको इस ऑफिस में क्या नहीं दिख रहा है? उन्होंने बोला क्या है? एसी, फर्नीचर, ये प्रोजेक्टर, माइक एंड सब कुछ, क्या है? सब कुछ है। उसने बोला मैं फिर से आपसे पूछता हूं कि आपको इस ऑफिस में क्या नहीं दिख रहा है? तो कोई जवाब नहीं आया। उसने मैं आपको बताता हूं, कस्टमर नहीं दिख रहे इसमें। तो आप एक काम करो, ऑफिस से बाहर जाओ, गेट आउट, मीटिंग इज ओवर, जाओ। तुम्हारा काम है कस्टमर से मिलने का, ऑफिस में रुकने का नहीं है। यू विल नॉट फाइंड कस्टमर इन ऑफिस और इन होम, यू विल फाइंड कस्टमर इन मार्केट। गो, मीटिंग इज ओवर। सबको भगा दिया, 8 बजे मीटिंग शुरू हुई, 8:02 पे खत्म हो गई। अब ये 32 लोग समझ नहीं आ रहा कहां जाएं, क्योंकि हरामखोरों को आदत तो है नहीं काम करने की। अब कोई कॉफी की टेबल पर बैठा है, कहीं कॉफी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। अब जैसे तैसे दिन निकला, अगले दिन फिर 8 बजे मीटिंग, रिपोर्टिंग टाइम, राइट इन द ऑफिस, डन सर। 32 के 32 लोग आ गए। अब देखा जहां पिछली बार टेबल कुर्सियां थी वहां उस हॉल के अंदर ना टेबल थी ना कुर्सी, खाली हॉल था। उसने बोला वेलकम एवरीवन, तो ये जो टेबल कुर्सियां थी वो 3 केबिन है, वहां मैंने लॉक कर दिया है, अगर आप कस्टमर के साथ आए कभी तो आप वहां उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और चूंकि आप ऑफिस में नहीं रहेंगे इसलिए यहां पर आपको बैठने की जरूरत नहीं है। तो मीटिंग इज ओवर, गो टू द मार्केट, फाइंड कस्टमर्स, गो, मीटिंग इज। अगले दिन फिर मार्केट करेगा, ऑफिस में बैठने का जरूरत नहीं है, बिकॉज यू डोंट फाइंड कस्टमर्स इन ऑफिस, यू डोंट फाइंड कस्टमर इन होम, बाहर जाओ।
चलता रहा 20 दिन 25 दिन, 30 दिन के बाद 32 में से 12 मैनेजर ने रिजाइन कर दिया और लिखा इसको बोला अपने आप ही कर ले सेल। 32 में से 12 लोगों ने रिजाइन किया कि इसको बोला सेल अपनी आपने आप ही कर ले, हमारे बस की नहीं है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे जो बाकी के 20 थे उन्होंने उसको फॉलो किया और एक साल के अंदर वो जीरोक्स का ऑफिस जो पहले टॉप 2000 में नहीं था टॉप 500 में आया और 3 साल के बाद वो जीरोक्स का सबसे नंबर वन ऑफिस बना अकॉर्डिंग टू सेल्स। आपका काम यही है कि आप कस्टमर के साथ फेस टू फेस टाइम व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा सब बकवास बातें हैं सर। इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद योर कस्टमर और योर प्रोस्पेक्ट यू आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस। तो पूरे दिन आप सोचिए कि आपने कस्टमर के साथ कितना टाइम बिताया, आपके प्रोस्पेक्ट के साथ आप कितना बैठे, वही तो काम है ना आपका। प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग, 3 स्टेप है। सेल यही है सर, इसके अलावा सब किस्से कहानियां इधर उधर की बातें लटरम पटरम होना बस। आर यू गेटिंग मी? तो दिस इज द मेजर टाइम कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। यस, तो दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। आस्क योर सेल्फ हाउ मच आई अर्न इन 1 आवर। यू कैन नॉट कंट्रोल सेल्स बट यू कंट्रोल यूर एक्टिविटी। आप सेल्स कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप सेल्स एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सेल्स कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सेल्स एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल फिलॉसफी है दोस्त, 10 को प्लान दिखाएंगे, 1 विल से यस, 9 विल से नो। 10 को प्लान दिखाएंगे, 1 जुड़ेगा, 9 नहीं जुड़ेंगे, और 2 जोड़ने हैं तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल फिलॉसफी। इफ यू नीड 10 सेल्स यू हैव टू गिव द प्रेजेंटेशन टू 100 पीपल। इट्स सिंपल एज दैट, नो रॉकेट साइंस, नो जादू की छड़ी, नो सुजू का, कुछ भी नहीं काम करेगा। गो टू द मार्केट, फाइंड अ कस्टमर, गिव द प्रेजेंटेशन। गो टू द मार्केट, फाइंड अ कस्टमर, गिव टू द प्रेजेंटेशन, दैट्स इट। जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन उतना ज्यादा सेल। इट्स अ वेरी सिंपल फिलॉसफी ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट। अ सिंपल मैनेजर और अ ह्यूमन बींग और अ नेटवर्कर स्पेंड 90 मिनट्स ओनली पर डे। माई फ्रेंड्स, इट्स अ यूनिवर्सिटी सर्वे, नॉट मी। आप एक दिन में 90 ही मिनट काम करते हैं तो उसी के हिसाब से आपको पैसे आते हैं, और आ रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं उस हिसाब से। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट?